आयुष्मान खुराना मशहूर हैं अपनी फिल्मों के दमदार कंटेंट के लिए। अक्सर उनकी फिल्में सोसाइटी के लिए मिरर बनने का काम करती हैं और लोगों के अंदर छुपे हुए डर को उनके सामने लाकर रख देती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भी कभी कभी हानिकारक साबित हो सकता है। बस इस बात को सच साबित कर दिया है आयुष्मान की आने वाली फिल्म बाला ने, जो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगती है लेकिन अंदर से दाल में कुछ काला ज़रूर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी इंडियन। आज इस वीडियो में आपको बाला और उजड़ा चमन के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं और आखिर दोनों में से असली फिल्म कौन सी है, ये सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन कंपैरिजन से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, दोनों फिल्मों को दिल खोलकर सपोर्ट करिएगा क्योंकि लास्ट में जीत फिल्मों के पावरफुल कॉन्टेंट की ही होगी। बाला और उजड़ा चमन दोनों फिल्मों की थीम बिल्कुल एक जैसी है। अगर दोनों फिल्मों के ट्रेलर और पोस्टर को आप साथ साथ देखोगे तो 99% चीज़ें बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, जैसे मानो एक दूसरे की फोटोकॉपी हो। बस फर्क इतना है कि दोनों फिल्मों के एक्टर्स अलग हैं और दोनों के नाम अलग हैं। बाला के सुपरस्टार हैं आयुष्मान खुराना और उजड़ा चमन में फूल खिलाने वाले हैं सनी सिंह, जो प्यार का पंचनामा जैसी फिल्म से आपका दिल पहले ही जीत चुके हैं। लेकिन दोनों फिल्मों में कॉमन कनेक्शन है सौरभ शुक्ला, जो बाला और उजड़ा चमन में कॉमेडी का मसाला डालते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है दोनों फिल्मों की कहानी में, जिसमें लीड कैरेक्टर को गंजा दिखाया गया है और कैसे सोसाइटी के चैलेंजेस को फेस करके ये दोनों अपनी लाइफ के हीरो बन के बाहर निकलते हैं, उसके अराउंड ही दोनों फिल्मों के ट्रेलर को काटा गया है। फिर बात चाहे लव लाइफ की करें या फिर प्रोफेशनल लाइफ की, दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हर पॉइंट पर लोग इनके लुक्स का मजाक उड़ाते हैं और लड़कियां इनको देखकर ऐसे दूर भागती हैं जैसे मानो कोई बुरा सपना देख लिया हो। उजड़ा चमन का ट्रेलर सबसे पहले 1 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद भी किया था। फिल्म की रिलीज डेट 8 नवंबर बताई गई थी और लोग काफ़ी बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बाला फिल्म के ट्रेलर के आते ही दोनों फिल्मों में कंपैरिजन होना स्टार्ट हो गया। दिक्कत यह है कि बाला पहले 22 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी, फिर इसकी डेट 15 नवंबर कर दी गई और अब फाइनली इसको 7 नवंबर को रिलीज़ किया जा रहा है, जो उजड़ा चमन के ठीक एक दिन पहले थिएटर्स में पहुँच जाएगी। अब सवाल यह है कि ये सब जानबूझकर किया क्यों जा रहा है? बाला फिल्म के मेकर्स उजड़ा चमन को टारगेट क्यों कर रहे हैं? दोनों फिल्मों के पोस्टर हूबहू एक दूसरे की फोटोकॉपी जैसे तैयार किए गए हैं, तो ये चोरी और सीनाजोरी के पीछे आखिर असली रीज़न है क्या? देखो, आपको सबसे मज़ेदार बात बता दूं कि ये दोनों ही फिल्में ओरिजिनल नहीं हैं। 2017 में एक कन्नड़ा फिल्म में सबसे पहले एक बॉल्ड हीरो की स्टोरी को दिखाया गया था, जिसको ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। इस फिल्म को सबसे पहले मलयालम में रीमेक किया गया था और अब हिंदी में इस फिल्म को रिक्रिएट किया जा रहा है। लेकिन बाला और उजड़ा चमन के ट्रेलर के सामने आने के बाद दोनों ही फिल्मों के मेकर्स में एक जंग छिड़ गई है कि असली बॉल्ड हीरो वाली फिल्म आखिर है कौन सी। लड़ाई सीधा कोर्ट तक पहुंच चुकी है और कॉपीराइट को लेकर दोनों ही फिल्मों के मेकर्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने पर तुले हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, उजड़ा चमन से काफ़ी पहले भी एक राइटर ने बाला फिल्म के मेकर्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी कहानी को फिल्म में चोरी करके दिखाया जा रहा है और पुलिस में कंप्लेंट तक कर दी थी। वैसे अभी तक उस मामले में कुछ रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बाला ज़रूर 7 नवंबर को थिएटर्स में आने वाली है। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे उजड़ा चमन का ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। जिस तरीके से सनी सिंह अपने कैरेक्टर को फिल्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको फिल्म देखने पर मजबूर कर देंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि आयुष्मान बॉलीवुड के नए किंग हैं और उनका फैन बेस काफ़ी तगड़ा है, लेकिन इस बार उजड़ा चमन उनकी फिल्म पर थोड़ी सी भारी नज़र आ रही है। अब आप बात करेंगे दोनों ही फिल्मों की कमाई की, तो आयुष्मान का सनी सिंह से मुकाबला करना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन मैं पर्सनली उम्मीद करूंगी कि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाएं और इंडियन सिनेमा के कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो, दोनों फिल्मों की टक्कर में कौन सी फिल्म सबसे ऊपर रहने वाली है? आप सबसे पहले कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगे, बाला या फिर उजड़ा चमन? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।